साथियों नमस्कार, मैं फिनो पेमेंट बैंक डिस्ट्रीब्यूटर बाल्मीक सिंह। फिनो पेमेंट बैंक की जो सर्विस अभी अभी बंद हुई है, ये सर्विस हमेशा के लिए बंद हुई है कि टेम्परेरी तौर पर बंद की गई है, इसका भी आधिकारिक तौर पर कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आया हुआ है। केवल र्यूमर फैलाया जा रहा है मार्केट में कि बैलेंस इंक्वायरी बंद कर दी गई है। मित्रों, ये बंद भी हो सकता है और अभी सर्विस चालू भी हो सकती है। बंद होने के आसार इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि इसके पहले डीजीपे या तमाम चिट फंड कंपनियों के जो एपीएस चलते हैं उनके में इंक्वायरी बंद हो गई है। बंद अगर इंक्वायरी हो गई है तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पब्लिक को है, ग्राहक को है। फिनो पेमेंट बैंक की जो भी सीएसपी चलाते हैं, बीसी चलाते हैं, मेरे समझ से उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है। बैलेंस वो अभी भी चेक करेंगे, चेक करने का तरीका बदल जाएगा, इनकम उनकी बढ़ जाएगी। तो साथियों, क्या है तरीका, वो कैसे उनकी इनकम बढ़ेगी जो सीएसपी चलाते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सिर्फ साथियों, मैं एक आईडी ओपन करता हूँ और करके मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन को बढ़ा सकते हैं बैलेंस इंक्वायरी बंद हो जाने के बाद भी। देखिए साथियों, बैलेंस इंक्वायरी चेक करने के लिए हमको जो है बाएं बगल अपने डैशबोर्ड पर जाना पड़ता है। यहाँ आईपीएस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो है जो बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन है, देखिए साथियों मेरे में दिखा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों में बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं भी दिखा रहा है। देखिए जो बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन है ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों में नहीं भी दिखा रहा है। अभी तत्काल करंट की बात है, आप टाइमिंग भी देख सकते हैं कि अभी टाइमिंग हो रही है 7:14 पर, तत्काल का वीडियो बनाया जा रहा है 14/5/2019 का, मेरे में भी ये दिखा रहा है। लेकिन साथियों, बहुत सारे लोगों में जो नहीं दिखा रहा है उनके लिए बेहतर क्या है कि अब वो जो भी बैलेंस चेक करवाने आएंगे, अब उनसे आपको अनुरोध करना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा कि भाई जी बैलेंस इंक्वायरी अब बिना बैलेंस निकाले नहीं होगा। आप उनसे निकालने के लिए 10, 20, 50 जो भी पैसा निकालेंगे उस पैसे पर आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी और आपके ट्रांजेक्शन में एंट्री होगी, जिससे आपका निकासी बढ़ जाएगा और आपका कमीशन भी बढ़ जाएगा। तो आपके लिए ये एक फ़ायदे वाली चीज़ है, इसमें घबराने और परेशान होने की बात नहीं है। यदि आप वास्तव में बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप फ्री में किसी का काम क्यों करेंगे। फ्री में हम लोग जो बैलेंस चेक करते थे, ये सरकार के द्वारा बेवजह का थोपा गया एक वर्क था सीएसपी वालों के ऊपर। हाँ, बैलेंस इंक्वायरी हम तब करेंगे जब हमको कोई बेनिफिट मिले, लेकिन सभी लोग करते थे, उसमें हम लोग भी करते थे। तो बैलेंस इंक्वायरी अगर बंद हो गई तो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जब आप लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो कमीशन मैं भी पाता हूँ आप लोगों के बिजनेस में से। तो जब अगला आएगा वो 50 रुपया ही निकालेगा तो उसका बैलेंस भी मालूम हो जाएगा, 50 रुपये की निकासी होगी, उस पर आपको जो कमीशन बनेगा उसमें से कुछ परसेंटेज मुझे भी मिलेगा। तो साथियों, मेरे लिए या आपके लिए, हम दोनों के लिए बहुत ही यह बेहतर चीज़ है। तो साथियों, घबराने और परेशान होने की बात नहीं है, अगर सर्विस दोबारा चालू हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं चालू होती है तो भी आप उनका जो है बैलेंस निकालने के लिए उनका पैसा निकालें और उनको बैलेंस बताएं। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस वीडियो से कुछ आपको अगर कोई नई जानकारी हो गई हो, मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। साथियों नमस्कार।